आज हम बनाने जा रहे हैं तुरैया की स्पेशल चटनी। इसमें ऐड करने के लिए आधा किलो ये तुरैया है, इसको पहले से एक बार अच्छे से धो ली हूँ। और इधर 50 ग्राम सिंगदाना है, थोड़ा सा लहसुन है और 11 हरी मिर्ची है, और ये धनिया है, हरी धनिया है इतना, ये सब इसमें ऐड होगा। इधर 1 चम्मच भर के सफ़ेद नमक है और छोटा चम्मच काला नमक है। अब सबसे पहले हम तुरैया को थोड़ा साफ कर लेंगे काट करके। थोड़ा हल्का छील लेना है ऊपर से। इतना साफ कर ली मैंने, इस तरह से थोड़ा सा ऊपर ऊपर का इसको हटाना है। देखिए इस तरह से साफ कर लेना है। अब इसको हम दो दो टुकड़ा और करेंगे, एक पानी से और धोएंगे। अभी देखिए इसको हम धो के छान लेंगे छन्नी में। अब देखिए इसको छान के हो गया। अब हम चटनी बनाने की तैयारी करेंगे। अभी देखिए तवा मैंने चढ़ा दी हूँ। सबसे पहले हम इसमें सिंगदाना ऐड कर देंगे। सबसे पहले हम सिंगदाना को भून लेंगे अच्छे से। इसमें हल्का सा तेल ऐड करेंगे। देखिए सिंगदाना भून के हो गया, हम निकाल लेंगे प्लेट में। अब हम लहसुन ऐड कर लेंगे। लहसुन मिर्ची दोनों साथ में भून लेंगे। अभी देखिए लहसुन मिर्ची भी भून के हो गया। अब इसे यहाँ पर चूल्हा फास्ट रखना है भुनने के लिए, जल्दी बना जाएगा। अब मेरे पास कोथमीर है, धनिया है, मतलब हरा धनिया, इसको भी थोड़ा भून लेंगे। भून लेने से क्या है चटनी टेस्टी बनता है। थोड़ा सा तेल ऐड करेंगे हल्का। देखिए अब धनिया भी भून के हो गया, फिर हम इसमें निकाल लेंगे। अब लास्ट में हम ये तुरैया है, इसको हम इसमें थोड़ा सा तेल ऐड करेंगे हल्का सा। तेल ऐड करके इसको भून लेंगे। अब यहाँ पर हम ये जो नमक है, काला नमक, व्हाइट नमक, ये सब नमक इसमें हम ऐड कर देंगे। इससे क्या है जल्दी से पक जाएगा, भुन जाएगा। इसको हम ढक्कन डाल के छोड़ देंगे 2 मिनट के लिए। ये देखिए तुरैया भुन के हो गया। इस तरह से भून लेना अच्छे से। ढक्कन डाल के छोड़ देंगे और इसी में और थोड़ा पकता रहेगा। अब उसके बाद ठंडा होने के बाद ही चटनी पीसेंगे। अब ये देखिए भुना हुआ तुरई था, अच्छे से ठंडा हो गया। और इधर बघार के लिए इधर करी पत्ता है और इसमें जीरा है 1 छोटा चम्मच, 1 चम्मच राई है और थोड़ा सा अजवाइन है बघार के लिए, और 1 चम्मच पीली सरसों है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे उस सबकी वाटी में। हम पानी ऐड करेंगे पीसने के लिए। इसमें
अब ये देखिए तुरैया की चटनी पीस के हो गई तैयार। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और इधर मैंने टोप चढ़ा दी हूँ। अब इसमें थोड़ा सा तेल ऐड करना है, 1 चम्मच तेल ऐड करेंगे। तेल अच्छा गर्म होने देना है। उसके बाद में ये सब जो भी है फ़ोरन के लिए ये सब ऐड कर देंगे इसमें। यहाँ पर हम चूल्हा एकदम बारीक कर देंगे 0 पर। अब ये देखिए वीडियो में थोड़ा गड़बड़ हो गया है, चटनी बघार के हो गया, चटनी मैंने बघार ली हूँ। और आज के खाने में रोटी है और पापड़ी और आलू की मैंने मसालेदार भाजी बनाई थी। और इधर ये चटनी है और इधर ये मालपुआ बनाई है, अलग टाइप का मालपुआ आज बना है। थोड़ा हम सजा लेंगे। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए।